अच्छा जी, देखती आंखों सुनती कानों, आज हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश आपको याद कराता हूं कि ये वो कंडीशन है कि जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाटर की अमाउंट ज्यादा है और फिश की बॉडी में वाटर की अमाउंट कम है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की अमाउंट कम है, फिश की बॉडी में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। मतलब ये कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रेश वाटर फिश को दो किस्म के मसले दरपेश हैं। फ्रेश वाटर फिश को दो किस्म के मसले जो है वो दरपेश हैं। वो इन दोनों मसलों का हल कैसे निकालता है और कैसे जिंदा रहता है इस सिस्टम के अंदर, तो वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेश वाटर फिश, उन्होंने कौन सी इडाप्टेशन की है, उनको दो इश्यूज हैं। इश्यू नंबर वन, इडाप्टेशन टू रिड्यूस एक्सोस्मोसिस ऑफ साल्ट। उसकी बॉडी से साल्ट बाहर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि साल्ट बॉडी में ज्यादा है, सराउंडिंग में कम है। बॉडी इज हाइपरटोनिक, एनवायरमेंट इज हाइपोटोनिक। अब इसका उन्होंने क्या हल निकाला है। पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट एडॉप्टेशन, साल्ट्स आर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन फ्रॉम फूड। उन्होंने ये हल निकाला है कि वो जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, जो कुछ वो एज ए फूड यूज कर रहे हैं, उस फूड में उसको जितना ज्यादा से ज्यादा, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है साल्ट, वो फुल साल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो फुल साल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विल्ला। इस तरह जो साल्ट उसकी बॉडी से बाहर चले भी जाए वो उसको ओवरकम कर लेता है। सेकेंड एडॉप्टेशन इज साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब इन किडनीज। किडनीज को ऑर्डर दिए प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल को, डिस्टल को, उनको ऑर्डर दिया गया है कि कोई साल्ट मटेरियल यूरिन में बाहर ना जाए। टोटल साल्ट को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश की जाती है ताकि अगर कोई साल्ट बाहर जाए भी तो उसकी कमी यहां से पूरी की जाए। थर्ड एडॉप्टेशन क्या है, साल्ट्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय गिल्स। एब्जॉर्प्शन किडनी का काम है, इंटेस्टाइन का काम है, लेकिन फ्रेश वाटर फिश में एक्स्ट्रा एडॉप्टेशन है कि गिल्स में भी ये प्रॉपर्टी है कि गिल्स को भी ये ऑर्डर दिया गया है कि आप भी साल्ट की एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। गिल्स ऑल्सो परफॉर्म एक्स्ट्रा एक्टिविटी, दैट एक्स्ट्रा फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट इन दी गिल्स, जो कि बड़ी यूनिक बात है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेशलाइज सेल्स बनाए हैं। स्पेशलाइज सेल्स आर एडॉप्टेड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उनमें ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर बॉडी में साल्ट ज्यादा है और बाहर कम है तो कम साल्ट को भी खींच सकते हैं अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। आपको पता है कि जब भी कोई चीज लोअर कंसेंट्रेशन से हायर की तरफ एब्जॉर्ब की जाए उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हमने लिखा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर एडॉप्टेड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, इट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू इनसाइड द बॉडी। अब ये सेल्स कौन सी है और किस जगह पे मौजूद है। दीज सेल्स आर कॉल्ड आयोनोसाइट सेल्स, आयोनोसाइट सेल्स, जो कि फिश और एम्फीबियंस में आपको मिलेंगी, फिश के गिल्स में मिलेंगी, एम्फीबियंस के स्किन में मिलेंगी। ये एमसीक्यू याद रखें, आयोनोसाइट दोनों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में है लेकिन फिश के केस में गिल्स में है, एम्फीबियन के केस में स्किन में है।
लोकेशन पूछ चुके हैं एमसीक्यूज में, इन डिटेल्स में पूछ चुके हैं। फ्रेश वाटर फिश को सिर्फ ये मसला नहीं है, फ्रेश वाटर फिश को वाटर लॉस का भी मसला है। उसकी बॉडी से वाटर निकलने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी से वाटर निकलने की भी कोशिश करेगा, उसको रोकना है। नहीं सॉरी, उसकी बॉडी में वाटर आने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी को स्विलप करेगा, उसको स्विलप करके रप्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिश ना स्विलप होता है और ना फटता है, जिंदा रहता है। कैसे? उसने कुछ एडाप्टेशन की। एडाप्टेशन नंबर वन, फ्रेश वाटर फिश कभी भी पानी नहीं पीता, वो कभी पानी नहीं पीता। नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, उसको पता है कि वाटर वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं पैसिवली, वैसे भी चारों तरफ से पानी आ रहा है, तो वो अपनी मर्जी से पानी कभी नहीं पीता। बस जो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं बस वो काफी है। नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यूरिन बहुत ज्यादा बनाएगा, यूरिन में एक्सेस वाटर को निकालने की कोशिश करेगा। एक्सेस वाटर विल बी रिमूव इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, डाइल्यूट यूरिन होगा। डाइल्यूट यूरिन वो होता है जो जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। साल्ट उसमें नहीं होते, साल्ट तो रीअब्सॉर्ब कर चुका होता है, साल्ट नहीं होते। वाटर ही वाटर होता है और टॉक्सिक मटेरियल होता है। डाइल्यूट यूरिन आपकी हस्व की चाय डाइल्यूट चाय होती है, डाइल्यूट। नंबर फोर एडाप्टेशन, रिमूवल ऑफ वाटर बाय गिल्स। गिल्स के थ्रू वाटर को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, किडनीज के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी, सॉरी गिल्स के थ्रू भी, हार्ट स्केल्स टू प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ फिश। कौन सा पॉइंट? डाइल्यूट यूरिन का मतलब है, डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर ज्यादा हो और सल्यूट कम हो, मतलब पानी ज्यादा हो चाय में और दूध कम हो, तो उसको आप डाइल्यूट कहेंगे। देखिए, साल्ट उसमें नहीं होंगे, साल्ट तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि साल्ट को रीअब्सॉर्ब करेगा, साल्ट ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब कर चुका है। तो अब यूरिन में क्या रह गया? यूरिन में सारा पानी ही पानी होगा, पानी की अमाउंट ज्यादा होगी, सल्यूट की अमाउंट कम होगी, तो हम इसको डाइल्यूट यूरिन कहेंगे। इस तरीके से ज्यादा यूरिन और यूरिन में क्या डाइल्यूट, अमाउंट में भी ज्यादा और उसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा, ताकि वाटर को रिमूव किया जाए। जो वाटर आ रहा है बस उसको किसी भी तरीके से रिमूव किया जाए, गिल्स के थ्रू यूरिन ज्यादा बना के यूरिन में ज्यादा वाटर डाल के, मोर यूरिन मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन यूरिन, रिमूवल ऑफ वाटर बाय गिल्स। स्वेलिंग को एक और तरीके से भी बचाया जा रहा है, हार्ड स्केल्स टू प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ फिश। फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स बनाए गए हैं बड़े सख्त किस्म के, फ्रेश वाटर फिश में जरा सख्त होते हैं, ताकि वाटर आई भी तो वॉल्यूम ना हो, फिश इंक्रीज ना हो साइज में। ऊपर से उसका साइज फिक्स कर दिया गया। जब आप फिश खरीदेंगे तो आपने देखा है कि फिश खरीदने के बाद ऐसे करके उसे स्केल्स को रिमूव किया जाता है, ऐसे करके वो स्केल्स बड़ी सख्त होती है, ताकि वो मेंटेन करे, फिक्स करे वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर फिश टू प्रिवेंट एक्सपेंशन। तो जब फिश सुलभ नहीं होगा तो एक्स्ट्रा वाटर कैसे आएगा, और अगर आएगा भी उसको यूरिन में रिमूव करेंगे, गिल्स में रिमूव करेंगे, उसको डाइल्यूट यूरिन में रिमूव करेंगे, तो वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। ये तो मसले थे फ्रेश वाटर फिश की, ऐसे फिश की कि वो ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा था,
कि जिस एनवायरमेंट में वाटर ज्यादा था सल्यूट कम था, सल्यूट बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, वाटर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, दोनों चीजों के लिए फिश ने एडाप्टेशन की थी। जी देखें, हम जो केस पढ़ रहे हैं कौन सा केस है, फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश का हमने पढ़ा था, ये फ्रेश वाटर फिश की कंडीशन। एनवायरमेंट में वाटर क्या है 80%, बॉडी में क्या है 70%। फ्रेश वाटर फिश को यह मसला होगा कि वाटर अंदर आने की कोशिश करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, सांस बाहर जाने की कोशिश करेगा। बॉडी के अंदर सल्यूट लेवल ज्यादा है, बॉडी के बाहर सल्यूट लेवल कम है। आयोनोसाइट सेल 20% साल से 30 की तरफ साल को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम 20% टू 30%। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सराउंडिंग में सल्यूट कम है लेकिन ये फिर भी खींच रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट पैसिव नहीं होगा। बॉडी के अंदर से अगर बाहर जाएगा तो ये पैसिव है, लेकिन अगर बाहर से अंदर आएगा तो ये एक्टिव है। यही पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमने ये कहा कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर एडॉप्टेड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट में तो सॉल्ट कम है, बॉडी में ज्यादा है, तो ये लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ खींच रहा है, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कोई और क्वेश्चन? जी जी बेटा, देखिए रिस्पायरेशन भी तो गिल्स ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, एयर से तो नहीं लेता, वाटर से ही लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी तो वाटर से ही लेते हैं, कोई एयर से थोड़ी लेते हैं। वाटर के साथ उसका वैसे भी पुरानी रिश्तेदारी है। कुछ स्टूडेंट्स अनमिटेड हो रहे हैं और फिर निकल रहे हैं, आ रहे हैं और निकल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को नेट का इश्यू है कि क्या है, आने जाने लगे रहते हैं। मेरीन फिश के मसले बिल्कुल अपोजिट हैं, अपोजिट टू फ्रेश वाटर फिश। अभी फिश के सराउंडिंग में वाटर कम है, फिश के सराउंडिंग में वाटर कम है, फिश की बॉडी में वाटर ज्यादा है, सराउंडिंग में सल्यूट ज्यादा है, फिश की बॉडी में कम है। अब मसला ये कि सराउंडिंग में वाटर की अमाउंट कम है, फिश की बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा और बाहर से साल्ट अंदर आएगा। ये तो मसले हैं फ्रेश वाटर फिश को, सॉरी मेरीन फिश को। मेरीन फिश क्या है, श्रिंकेज ऑफ फिश का खतरा है, फिश को श्रिंकेज का खतरा है। श्रिंकेज का खतरा क्यों है, क्योंकि बाहर वाटर की अमाउंट कम है, बॉडी में वाटर ज्यादा है, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तो फिश श्रिंक हो जाएगा, लेकिन फिश श्रिंक नहीं होता, वो जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है, ऐसा जिंदा रहता है, एडाप्टेशन टू रिड्यूस एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर। वाटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सोस्मोसिस करना चाहता है, लेकिन फिश ने ऐसे एडाप्टेशन किए कि वाटर बाहर नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता, देखते जाए। नंबर वन, ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके, पीता रहता है, पीता रहता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को पीने की कोशिश करता है।
ताकि अगर इसकी बॉडी से वाटर निकली थी तो ये कमी पूरी होती जाए, बगैर पूछे पानी पीता रहता है। सेकेंड, रिमूवल ऑफ, सॉरी डाइल्यूट नहीं, ये ठीक कर लेता हूं, कंसेंट्रेटेड, सॉरी ये पॉइंट डाइल्यूट नहीं है, ठीक है ना, दिस इज कंसेंट्रेट, ये गलती हुई जी, कोई बात, इंसान से भी गलती होती है, मैंने भी लेक्चर में गलती की है क्योंकि मैं भी इंसान हूं। दिस इज कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा निकले, इसमें सॉल्यूट ज्यादा निकले और वाटर कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, क्या करेगा, रिमूवल ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन, कंसेंट्रेटेड यूरिन को रिमूव करेगा ताकि वाटर की अमाउंट यूरिन में कम निकले, सॉल्यूट ज्यादा निकले, सॉल्यूट का मसला है। फिर क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, किडनी को ऑर्डर किया गया है कि वाटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया करो, यूरिन में बाहर न जाने दो, इसलिए तो यूरिन में वाटर कम होता है और यूरिन कंसेंट्रेटेड होता है। मेटाबॉलिक वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, उस खाने से भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सूप बनाया उसमें वाटर है वो भी, आपने रोटी बनाई उसके अंदर वाटर है वो भी, आपने चिकन बनाया है चिकन हांडी उसमें भी वाटर है वो भी, बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बना रहे हैं, वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी, ये सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, इसको हम मेटाबॉलिक वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो वाटर आप बाहर से नहीं पी रहे, जो मेटाबॉलिज्म में पैदा होता है, उस मेटाबॉलिक वाटर को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, उस वाटर को भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उस वाटर को भी यूटिलाइज किया जा रहा है, दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। इसमें कोई इशू है जी? मेरे ख्याल में इशू नहीं है, क्लियर है जी? चलिए जी, मेरीन फिश में सॉल्यूट कम है, सराउंडिंग में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट अब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हम सॉल्ट खींच रहे थे, अब हम सॉल्ट फेंक रहे हैं, वहां हम वाटर फेंक रहे थे, अभी यहां पे वाटर खींच रहे हैं, क्योंकि मेरीन फिश का मसला फ्रेश वाटर फिश के बिल्कुल अपोजिट है। अब हमारा मकसद क्या है, एडाप्टेशन टू रिड्यूस इंडोस्मोसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट अंदर आना चाहते हैं, इंडोस्मोसिस करना चाहते हैं, हम इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, हम सॉल्ट को अंदर आने से रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि सॉल्ट अंदर आए, नहीं चाहते हम, लेकिन सॉल्ट आ रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, स्टॉप सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड इंटेस्टाइन, किडनी और इंटेस्टाइन को हुक्म दिया जाता है कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब ना करो, सॉल्ट को जाने दो, जितना सॉल्ट जाना चाहता है जाए, किसी को ना रोको, क्योंकि सॉल्ट वैसे भी आ रहा है पैसिवली। रिमूवल ऑफ सॉल्ट इन यूरिन, यूरिन में डालो, जितना ज्यादा सॉल्ट यूरिन में डाल सकते हो डालो, निकालो इसको, रिमूव करो, कंसेंट्रेटेड यूरिन, वही बात है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट इन यूरिन, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट को हम डाइवेलेंट सॉल्ट कहते हैं, डाइवेलेंट मीन जिसमें टू चार्ज हो, टू पॉजिटिव हो, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके ऊपर डबल डबल चार्ज है, तो ये जो सॉल्ट है ये बड़े हेवी सॉल्ट होते हैं, इनको किडनी रिमूव कर सकती है, गिल्स रिमूव नहीं कर सकते। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जिसको हम मोनोवेलेंट सॉल्ट कहते हैं, ये सॉल्ट कतरे छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, इनको रिमूव करता है गिल्स, इनके अलावा भी
इनमें स्पेसिफिक ग्लैंड हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि साल्ट को फेंकते जाओ, साल्ट आएगा तुम फेंको, साल्ट आएगा तुम फेंको, साल्ट आएगा तुम फेंको। कैसे? उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये रिमूव कर सकती है मोनोवेलेंट, ये रिमूव कर सकती है डाइवेलेंट, ये रिमूव कर सकती है ट्राइवेलेंट, डबल साल्ट, सिंगल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट। जिस किस्म का साल्ट भी फिश की बॉडी में जाए, इसमें कैपेबिलिटी है कि उसको रिमूव करे। इट कैन रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट, इट कैन रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ साल्ट। इस तरह साल्ट आएगा लेकिन उसको रिमूव किया जाएगा यूरिन में, उसको रिमूव किया जाएगा रेक्टल ग्लैंड्स में, उसको रिमूव किया जाएगा गिल्स में, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, उसको वेलकम नहीं कहा जाएगा, उसके साथ सलाम दुआ नहीं होगी, उसको दरवाजे से ही वापस कर दीजिएगा कि जाओ यार। वाटर बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसको रोक दिया जाएगा कि नहीं तूने नहीं जाना, और खुद को मेंटेन करेगा। वाटर के जाने से भी खुद को रोकेगा, साल के आने से भी खुद को रोकेगा, तो मेरीन फिश होगा और ऑस्मो रेगुलेटर होगा। वाटर के जाने को, वाटर के आने को रोकेगा, साल के जाने को रोकेगा, तो जिंदा रहेगा, फ्रेश वाटर फिश होगा, और इसको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहेंगे। ये तो फिश की बातें थी, ये तो फिश की बातें थी जो पानी में था। हम क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं जो एयर में रहते हैं, जो कहां रहते हैं जी, एयर में रहते हैं, जो एयर्स में रहते हैं, जिनके सराउंडिंग में वाटर है ही नहीं। अब मेरी बॉडी में 70% वाटर है, सराउंडिंग में 5% भी नहीं है, मैं फिर भी मेंटेन कर रहा हूं, आप भी मेंटेन कर रहे हैं, हम सब मेंटेन करें, मैं और आप दोनों अल्लाह की फसल से जिंदा हैं। ऑस्मो रेगुलेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर मोर एक्सपोज टू एवेपोरेशन एंड डिहाइड्रेशन। इक्वेटिक के मुकाबले में हम ज्यादा एक्सपोज है एवेपोरेशन को, हमसे ज्यादा एवेपोरेशन के चांसेस हैं, क्योंकि हम एयर में हैं, हम पानी में नहीं है। फिश चाहे मेरीन है या फ्रेश वाटर फिश है, कम से कम वाटर में तो है ना दोनों, हम तो एयर में है, यहां तो वाटर ड्रॉपलेट्स इंतहाई कम है। सो वी आर मोर एक्सपोज टू इवेपोरेशन एंड डिहाइड्रेशन। लेकिन हम खुद को कैसे जिंदा रखते हैं? यहां पे एक सेब रखता हूं, एक घंटे के बाद श्रिंक हो जाएगा, मैं श्रिंक नहीं होता। यहां पे सब्जी रखता हूं, एक घंटे के बाद श्रिंक हो जाएगा, मैं श्रिंक नहीं होता। यहां पे मैं कोई फ्रूट रखता हूं, एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, तीन घंटे के बाद श्रिंक हो जाएगा, मैं श्रिंक नहीं होता। टमाटर श्रिंक हो जाते हैं, हम श्रिंक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, हमारे अंदर होम्योस्टेसिस हो रहा है, हम ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। कैसे करते हैं? वो सारी बातें जो मेरीन फिश में थी वो भी हैं, साथ में कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं। एडाप्टेशन हमने किए जी, क्या क्या एडाप्टेशन? आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट्स में से वो हैं जो टेरेस्ट्रियल लाइफ गुजार सकते हैं, बाकी एक्वेटिक हैं। इनवर्टिब्रेट में सिर्फ आर्थ्रोपोडा है। वो कैसे जिंदा रहते हैं जमीन पे? उन्होंने बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन बनाया है कंपोज्ड ऑफ काइटिन, जो कि काइटिन का बना है। काइटिन बड़ा सख्त होता है और उससे वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकता, तो वो जितना पानी पीते हैं इवेपोरेट नहीं होता, वो जितना पानी पीते हैं इवेपोरेट नहीं होता। इनके अलावा रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वर्टिब्रेट्स में से, ये तीन भी एयर में जिंदा रह सकते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं? इन्होंने डेड आउटर मोस्ट स्किन लेयर, हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर डेड है, वहां पानी आता ही नहीं है, क्योंकि जब आउटर मोस्ट लेयर डेड है तो पानी आता ही नहीं है। डेड को तो पानी की जरूरत नहीं होती, डेड सेल को,
तो जब पानी आउटर मोस्ट लेयर तक आते नहीं है तो इवेपोरेशन कम होता है। अगर आउटर मोस्ट लेयर को आखिरी बाउंड्री को वाटर आता तो इवेपोरेशन बहुत तेज होती। लेकिन हमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, हमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्किन के आउटर मोस्ट लेयर को मार दिया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है, जस्ट लाइक अब्दुल कदीर खान, अल्लाह बख्शे। तो हमने क्या किया, हमने स्किन को आउटर मोस्ट लेयर को डेड किया। सिर्फ डेड नहीं किया, प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जी हाँ, एपिडर्मस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इम्यूनिटी में कि उनके सेल्स शेड ऑफ होते जाते हैं, वो डेड सेल्स हैं। जब नए सेल्स डेड हो जाती हैं वो नए सेल्स आ जाते हैं, पुराने सेल गिर जाते हैं, फिर जब वो डेड हो जाते हैं आ जाते हैं वो गिर जाते हैं। डेड सेल्स सबसे बाहर जमा किए जाते हैं, उसी को हम एपिडर्मस कहते हैं, उसी को हम एपिडर्मस कहते हैं। डेड आउटर मोस्ट स्किन लेयर, प्रेजेंस ऑफ केराटिन, केराटिन प्रोटीन है जी। केराटिन की क्या प्रॉपर्टी है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होता, उसमें वाटर आ ही नहीं सकता, वाटर इसमें से गुजर ही नहीं सकता कि बाहर जाए। तो इन दो तरीकों से हमने थोड़ा सा वाटर लॉस को कम किया है। हम क्या कहते हैं, रिप्टाइल्स, हमने तो चार ग्रुप पढ़ लिए, आर्थ्रोपोडा, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन चारों में सबसे ज्यादा एडेप्टेशन किसकी है, रिप्टाइल्स की। तो हम रिप्टाइल्स को अलग पढ़ते हैं। रिप्टाइल में क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट में, सहरा में वो जिंदा रह सकते हैं और डिहाइड्रेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, उन्होंने कुछ यूनिक एडेप्टेशन की। हम क्या कहते हैं कि रिप्टाइल में क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, कॉल्ड इनहाइड्रोबायोसिस। उनकी इस प्रॉपर्टी को कि वो बगैर पानी के जिंदा रहते हैं, उसके लिए हम बायोलॉजिकल टर्म इनहाइड्रोबायोसिस, इन मीन नो, हाइड्रो मीन वाटर, बायो मीन लाइफ, इट मींस लाइफ विदाउट वाटर, लाइफ विदाउट वाटर, इनहाइड्रोबायोसिस। कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं सहरा में, अभी हम डिस्कस करते हैं। वन बाय वन करके उनके एडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। जी कौन, अर्थवर्म रिप्टाइल नहीं होता बेटा, वो नेमाटोडा है, वो नेमाटोड है, राउंड वर्म है, ठीक है ना। ये एडाप्टेशन है रिप्टाइल्स की, इसलिए रिप्टाइल सहरा में जिंदा रह सकता है। क्या क्या एडाप्टेशन उन्होंने की, बड़ी यूनिक यूनिक, नॉक्टर्नल, सिर्फ रात को निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते। नॉक्टर्नल बिहेवियर हमने पढ़ा था, सिर्फ रात को निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड एक्टिविटी, दिन को गायब रहते हैं, क्योंकि दिन को निकलेगा तो सनलाइट उन पर पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो ये ऑपरेशन होगी, और पानी की कमी है, बेचारे को सहरा में जिंदा रहते हैं। बड़े डरपोक होता रहो, फकत शब को निकलते हो, फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो ये हमारी उर्दू की किताब में था। तो ये अच्छा, वेरी गुड, अभी सेकंड ईयर में है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो रिप्टाइल्स क्या है, नॉक्टर्नल, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, क्यों, टू अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट, ताकि सनलाइट को एक्सपोज ना हो, जब सनलाइट को एक्सपोज नहीं होगा तो नहीं होगा, और जब सनलाइट को एक्सपोज नहीं होगा तो लो इवेपोरेशन। फिर क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, क्रीपिंग नेचर, टेट्रापोडा चार पांव से चलते हैं, जमीन पे रिंग कर चलते हैं, सीधा चलेंगे तो ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे, ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे तो ज्यादा हीट पैदा होगा, ज्यादा हीट पैदा होगा तो ज्यादा वाटर जाया होगा, इसीलिए जमीन पे रिंगते हुए चलते हैं ताकि इनको कभी एनर्जी लगे।
जिस तरह बच्चे जब छोटे होते हैं उनमें हाई एनर्जी नहीं होती तो क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, फिर स्ट्रांग होकर मजबूत होकर सीधे चलना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट, क्रीपिंग नेचर, टेट्रापोडा टू यूज लेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस लेस हीट। थर्ड इंटरप्रिटेशन, नो ग्लैंड स्किन, उनकी स्किन बड़ी ड्राई होती है। आप लोग कहते हैं रिप्टाइल्स हैव ड्राई स्किन, म्यूकस नहीं होता, स्वेटिंग नहीं होती, सलाइवेशन नहीं होती, टीयरिंग नहीं होती, मगर मच के आंसू तब बहते हैं जब वो किसी को धोखा देना चाहता हो। आंसू तीन किस्म के होते हैं, गम के, खुशी के और मगरमच्छ के। तो क्या है, नो ग्लैंड्स इन स्किन, कार्टिलेजिनस प्लेट्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर कार्टिलेज के बने हुए सख्त प्लेट्स होते हैं जो सबसे सख्त टेराटाइन और एलिगेटर में। फीड ऑन लीव एंड सीड्स हैविंग रिच वाटर, ऐसा फूड खाते हैं जिसमें पानी ज्यादा हो, ऐसे प्लांट्स खाते हैं, ऐसे लीव्स खाते हैं, ऐसे सीड्स खाते हैं जिसमें पानी हो। तो फूड के साथ साथ वाटर ले लेते हैं, खेल खेल में पढ़ाई, फूड फूड वाटर वाटर, हम खुरमा हम सवा। फीड ऑन लीव एंड सीड्स हैविंग रिच वाटर, ऐसे पत्ते खाते हैं जी, ऐसे सीड्स खाते हैं जी, ऐसी खुराक खाते हैं जी जिस खुराक में वाटर हो, जिस खुराक में वाटर हो। इसलिए हम भी गर्मियों में तरबूज खाते हैं क्योंकि तरबूज में वाटर है। हम गर्मियों में खीरे खाते हैं क्योंकि उसमें वाटर है। तो ये भी ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें पानी हो। नंबर फाइव, यूज मेटाबॉलिकली सिंथेसाइज्ड वाटर सच इज रिस्पायरेशन, कंडेंसेशन, डाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म के बाद जो पानी पैदा हो रहा है उसको भी अंदर ही अंदर रोक लेता है और उसको भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो वाटर यूज करता है। कंडेंसेशन, व्हेन मोनोमर कन्वर्ट इनटू पॉलीमर एंड प्रोड्यूस वाटर, वो वाटर यूज करता है। डाइजेशन, जो भी प्रोसेस होता है जहां जहां पानी पैदा होता है वो मेटाबॉलिकली सिंथेसाइज वाटर को यूज किया जाता है। तो सराउंडिंग में पानी न होते हुए भी जिंदा रहते हैं वाटर लॉस कम करने से और अंदर पानी पैदा करने से और ऐसी खुराक खाने से जिसमें पानी हो। इस वजह से रिप्टाइल्स जिंदा हैं। वो अलग बात है कि शर्मिंदा हैं और थोड़े से बदसूरत हैं, लेकिन जिंदा हैं जी। कौन सा, नो ग्लैंड्स इन स्किन, किसी भी रिप्टाइल के स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होते क्योंकि ग्लैंड सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन के लिए वाटर चाहिए और वाटर तो उनके पास नहीं है। तो न स्वेटिंग करते हैं, न म्यूकस पैदा करते हैं, न टीयरिंग पैदा करते हैं क्योंकि टीयर्स से भी वाटर निकलेगा। इसी तरह स्वेटिंग में भी वाटर निकलेगा, सबिशियस ग्लैंड में भी वाटर निकलेगा। तो ऐसे कोई ग्लैंड स्किन में इनकी नहीं है और न स्किन से कोई सिक्रीशन होती, नो ग्लैंड इन स्किन। और स्किन के ऊपर क्या है, कार्टिलेज के बने हुए प्लेट सख्त सख्त ताकि वो क्रीपिंग मूवमेंट, जमीन पे हमारे तरह नहीं चलते, चार पांव से चलते हैं, क्रीपिंग रिंगते हुए जाते हैं, रिंगना। जब रिंगते हुए जाएगा तो इसको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सीधे खड़े होने के लिए एनर्जी चाहिए और क्रीपिंग मूवमेंट के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। जब आप काफी ज्यादा थक जाएं, अगर आप खड़े होकर नहीं जा सकते तो क्रीपिंग करके जा सकते हैं, क्रीपिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए। जब आप कम एनर्जी पैदा करोगे तो आपकी बॉडी में कम हीट पैदा होगा, जब कम हीट पैदा होगा तो आपको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होगी और ना ही ज्यादा वाटर आपकी बॉडी से इवेपोरेट होगा। आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी, जब गर्म नहीं होगी तो वाटर लॉस भी कम हो जाएगा। आखिर में जी, क्लियर है? अच्छा जी, वेलकम जी, खुश रहो।
कैंगरू रेट। अब इनकी एग्जांपल क्या है रिप्टाइल्स की? रिप्टाइल्स तो आप जानते हैं कि सारे रिप्टाइल्स हैं, लेकिन एक मैमल भी है जिसमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। उस बतबख का नाम है कैंगरू रेट। अब रेट मैमल है, लेकिन ये बातें इसमें भी हैं, तो आपने रिप्टाइल्स भी याद रखना है। और रिप्टाइल के साथ याद रखना है किसको? कैंगरू रेट, जो कि मैमल है, और ये प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं। ऑल रिप्टाइल्स एंड कैंगरू रेट हैव दीज एडॉप्टेशंस, दीज एडॉप्टेशंस। ये हमने ऑस्मोरेगुलेशन का किस्सा खत्म कर लिया। ऑस्मोरेगुलेशन में हमने फ्रेश वाटर फिश, मेरीन फिश, टेरेस्ट्रियल, आर्थ्रोपोडा, एम्फीबियन, रिप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स, इनमें थोड़ी थोड़ी बात की। मेन टॉपिक इस चैप्टर का एक्सक्रीशन शुरू होता है। एक्सक्रीशन को हम बड़ी आसानी से डिफाइन करते हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट मटीरियल, सिंथेसाइज्ड एज बाय प्रोडक्ट्स एंड मेटाबॉलिज्म। हर उस चीज को बॉडी से निकालने एक्सक्रीशन है जो मेटाबॉलिज्म में बना हो। अगर मेटाबॉलिज्म में नहीं बना वो एक्सक्रीशन नहीं है। मैं कुछ खा रहा हूं और फेंक रहा हूं, क्या ये एक्सक्रीशन है? नो, इसके तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुई, ये तो मेरे ब्लड में गया ही नहीं है। जो चीज हम हमारे ब्लड में गए और हम ब्लड से फिर फिल्टर करें और फिर निकालें, वो एक्सक्रीशन है। जिस तरह अनडाइजेस्टेड मटेरियल का रिमूव करना एजेशन और फीसिस कहलाता है, वो एक्सक्रीशन नहीं है जी। अभी आपको समझ आ जाएगा एक्सक्रीशन क्या है। उन प्रोडक्ट्स का रिमूव करना जो टॉक्सिक हो या वेस्ट हो और कहां से आए हों, जो सिंथेसाइज हुए हों एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म। अगर हमारी मेटाबॉलिज्म में नहीं बने तो वो एक्सक्रीशन कैटेगरी में नहीं आता। हमने दो अल्फाज पढ़ लिए, टॉक्सिक और वेस्ट। टॉक्सिक कौन है? टॉक्सिक अमोनिया है, हर हाल में रिमूव करना है। यूरिया है, हर हाल में रिमूव करना है। यूरिक एसिड है, हर हाल में रिमूव करना है। बिलिरुबिन है, हर हाल में रिमूव करना है। टॉक्साइड्स हैं, हर हाल में रिमूव करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, हर हाल में रिमूव करना है। और भी काफी चीजें हमने कुछ एग्जांपल लिए कि इन जैसी चीजों को हम टॉक्सिक कहते हैं। इसको किसी हालत में बॉडी में नहीं रखना, रिमूव करना है हर हाल में। और ये सब चीजें बनती है मेटाबोलिज्म। हम प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। हम न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं, ये तीन बनते हैं। हम हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करते हैं, बिलिरुबिन बनते हैं। डिफरेंट पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं हमारी बॉडी में, टॉक्साइड्स बनते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी चीजों को रिमूव करना एक्सक्रीशन है, जो आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन से बने। वेस्ट में क्या क्या आता है? साल्ट्स यूजफुल है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, वाटर यूजफुल है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, शुगर यूजफुल है लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो रिमूव करो। अब ये किस कैटेगरी में आएंगे? वेस्ट में। एक्सेस शुगर एंड डायबिटिक पेशेंट, यूजफुल चीज है, टॉक्सिक नहीं है, लेकिन यहां पर टॉक्सिक होने जा रहा है, मजबूरन उसको रिमूव किया जा रहा है। नीचे स्टेटमेंट लिखने, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज नॉट एक्सक्रीशन, दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिकली। जो चीज हम खा लेते हैं डाइजेस्ट नहीं होता और उसको हम रिमूव कर लेते हैं, वो डाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि ये तो ब्लड में गया ही नहीं है, इसकी तो डाइजेशन ही नहीं हुई, इसकी तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई। ये तो आपके ब्लड में गया ही नहीं है, ब्लड से वापस फिल्टर नहीं किया गया, वापस निकाला नहीं किया गया, तो क्या फायदा? That's ejection. इसको हम ejection कहते हैं, और defecation, या इसको हम defecation कहते हैं। Defecation, ejection is not excretion. They are not excretion. They are defecation. वो defecation है जी, excretion नहीं है जी, that is not excretion जी। अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं जी और हम डिस्कस करते हैं लास्ट पेज। मुझे पता है बिल बच गया होगा और आप लोगों की वेगस नर्व एक्टिवेट होगी,
लेकिन ये बस आखिरी टॉपिक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, एनिमल तीन किस्म के प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। हम यूरिन पैदा करते हैं, यूरिन में यूरिया है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड, क्यों? ये हमारा टॉपिक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स आर थ्री, अमोनिया, अमोनिया एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सबसे टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, तमाम प्रोडक्ट्स में से सबसे टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर पूछ ले तो अमोनिया आंसर होगा, टॉक्सिक पूछ ले अमोनिया होगा, मेन पूछ ले अमोनिया होगा, इंपॉर्टेंट पूछ ले वाइटल पूछ ले, इसको हर हाल में रिमूव करना है। बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इस वजह से खतरनाक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, फैल जाता है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इंसान को मार देता है, टॉक्सिक है। 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। अगर आपकी बॉडी में 1 ग्राम अमोनिया बन जाए तो 500 ml वाटर को पीना पड़ेगा, उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा, तब उसको बॉडी से निकाल सकते हैं। इतना हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अब यह हमारी बस की बात नहीं है। मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया आर फ्रेश वाटर फिशेस। सिर्फ फ्रेश वाटर फिश मोनोटेलिक है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी उनके अलावा कोई नहीं पी सकता। फ्रेश वाटर फिश आर अमोनोटेलिक, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते। हम अगर अमोनिया एक्सक्रीट करते तो सारा दिन पानी पीते रहते थे, जो कि मुश्किल था। एक एमसीक्यू आया था इसी से, विच वन इज हार्मफुल एंड बाय प्रोडक्ट, कौन सा हार्मफुल है? ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स। ये तो सारे यूजफुल हैं, प्रोटीन्स क्यों हार्मफुल है जी? शाबाश, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड में अमाइन है, अमाइन से डायरेक्ट अमोनिया बनता है। ऑप्शन में अगर प्रोटीन ना हो तो फिर आंसर न्यूक्लिक एसिड होता। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों में अमाइन है और अमाइन से अमोनिया बनता है, तो यह खतरनाक है एज ए बाई प्रोडक्ट। अमोनिया के मुकाबले में यूरिया जरा कम टॉक्सिक है, 1 लाख टाइम कम, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। हमारी बॉडी में एक साइकिल चलता है, उसको यूरिया साइकिल कहते हैं। हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से अमोनिया निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी बड़े चालाक हैं, हम अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू यूरिया। हम अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? यूरिया। इसके लिए कम पानी चाहिए, तो हमारा काम आसान हो जाता है और इसको यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल के जरिए, जिसको आर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, आर्निथिन साइकिल, इसके थ्रू हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है, इसको पानी भी कम चाहिए। 1 ग्राम यूरिया नीड्स 50 ml वाटर, 50 ml काफी है, 500 की बजाय 50 काफी है। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि 16 ग्लासेस पानी काफी है। अगर हम अमोनिया एक्सक्रीट करते तो फिर हम 16 ग्लास नहीं 160 ग्लास पानी पीते, तो कितना जुल्म होता। 1 ग्राम यूरिया नीड 50 ml वाटर। यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर मेरीन, मेरीन में फ्रेश वाटर नहीं, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट फ्लाइंग एंड डेजर्टेड। फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म के अलावा, जो फ्लाइट करते हैं उनके अलावा, और डिजर्टेड रेप्टाइल्स के अलावा, बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है सब के सब क्या हैं? यूरिया पैदा करते हैं, यूरिया पैदा करते हैं, बगैर फ्लाइंग के और बगैर डिजर्टेड के। तीसरा है जी यूरिक एसिड, 10,000 times less toxic than यूरिया।
यूरिया से भी कम टॉक्सिक है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए, इतना कप वाटर। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जो फ्लाइट करते हैं वो ज्यादा पानी नहीं पी सकते। ज्यादा पानी पिएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, वो फिर फ्लाइट कैसे करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं कर सकता। फ्लाइंग इंसेक्ट भी नहीं कर सकते, फ्लाइंग बर्ड्स भी नहीं कर सकते। टेरेस्ट्रियल ओविपेरा जो अंडे पैदा करते हैं वो भी नहीं कर सकते, वो यूरिकोटेलिक होंगे मजबूरन। रेप्टाइल्स भी नहीं कर सकते, उनके पास पानी नहीं है बेचारों के पास, तो कैसे इतना पानी पी सकते? नहीं, वो 1 ग्राम उनके लिए काफी है, 1 ml वाटर। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फ्लाइट करेगा या डिजर्टेड होगा या ओविपेरस अंडे देगा तो वो यूरिकोटेलिक होगा, ये उनकी मजबूरी है। देखिए एग्स के अंदर वो बनेगा और फिर अंडे से निकलेगा, तो अंडे के अंदर उसको इतना पानी कौन देगा? अंडा तो बाहर से बंद है कि नहीं है? तो क्या हम अंडे के अंदर इंजेक्शन लगाएं या उसको ड्रिप लगाएं? नहीं लगा सकते। अगर प्लेसेंटा में बंद रहे मदर की बॉडी में तो चले माँ पानी पी लेगी, उसको मिल जाएगा, लेकिन अंडे के अंदर जो बंद रहे वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है जी, कौन सा ये लीजिए, आपको ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है ना? जो भी मसला हो बार बार सेंड कर सकती है, आप मुझे सेंड करें, मैं आपको अपनी खूबसूरत आवाज में आंसर सेंड कर दूंगा, मशहूर कुन आवाज में। चलें जी, नहीं यूरियो प्लेसेंटल मेमल यूरियोटेलिक है, हम भी यूरियोटेलिक है, यूरिया पैदा करते हैं। यूरिन में 88% यूरिया होता है, ये बाकी चीजें बड़ी कम होती है। ये आखिरी 3-4 अल्फाज पढ़ते हैं, बाकी कल करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 चीजें इन्वॉल्व है, कौन? लंग्स, स्किन, यूरिनरी सिस्टम किडनीज और लीवर। हमारे कोर्स में ये सिस्टम है, लेकिन इनके अलावा भी एक्सक्रीशन होती है थ्रू लंग्स। क्यों? क्योंकि वो रिमूव कर रहे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टॉक्सिक है, एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, स्किन भी है, एक्सेस वाटर रिमूव करता है इन स्वेटिंग, एक्सेस साल्ट इन स्वेट, यूरिया इन स्वेट, यूरिक एसिड इन स्वेट, स्वेटिंग करता रहता है। सबिशियस ग्लैंड के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू इन चीजों को रिमूव करते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन का एक मैकेनिज्म है। यूरिनरी सिस्टम किडनी, इसको डिटेल में करेंगे। लीवर भी कर सकते हैं, ब्लड सेल्स उसके पास जाते हैं, डेड ब्लड सेल्स उनको डिकम्पोज करता है, डेड हीमोग्लोबिन उसके पास जाते हैं उसको डिकम्पोज करता है, बिलिरुबिन बनाता है, डेड ब्लड सेल्स बिलिरुबिन एटसेट्रा सेल्स टू किडनी। इन चीजों की ब्रेक डाउन करके इस नुकसान वाली चीजों को, टॉक्सिक चीजों को किडनी के पास भेज देता है कि रिमूव दी यूरिन। तो लीवर का भी रोल है, लेकिन हमारे कोर्स में कौन है? यूरिनरी सिस्टम। तो कल हम शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रहे। ये बात बताइए कि कल से स्टूडेंट्स काफी कम है क्लास में, ये क्या रीजन है? क्या घरों को गए या कोई और मसला है? यानी पेपर शुरू है जी? अच्छा, रिकॉर्डेड लेते हैं। चलें, ये भी अच्छी बात है कि कोई फैसिलिटी तो है ना, बात तो सच है मगर बात है उसमें तो आपने भेजे ही नहीं है, मुझे क्या पता आप कौन सी पैराग्राफ की बात करती हैं। आपने सेंड किया है? अच्छा, लेकिन सर ने मेरे सर में सेंड नहीं किया, मैं भी उनको कह देता हूँ, ठीक है?